ओ जी प्राजी, ओ आ गया जी माता जी का मंदिर। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। ओ कोई नहीं, जय माता दी प्राजी। जय माता दी। कुंजन है, एक ही कर दी भैया, सड़क बहुत गर्म है, तेरे तेरे पैर जल जाने, पहन ले इसे। देखी जाएगी, तू चल। आज माता से कुछ बड़ा मांगने जा रही हूँ, और उन खुशियों के बदले थोड़ा बहुत दर्द मिले तो भी पता नहीं चलेगा। आज नंगे पांव जाकर ही उनके सामने हाथ फैलाऊंगी। मैं जानता हूं गुंजन कि तू की मांगना चाह रही है। इसे तो बिना सैप्पा खड़ा किए लगता है खाना हजम ही नहीं होता। पता नहीं अब की करने जा रहा है। बीजी, वो आप ना ट्रैक्टर यहीं रोक दीजिए, वो मैनू बाजार जाना है ना कुछ खरीदने वास्ते। बीजी, मैं इसे ना यहीं छोड़ देती हूँ। छत्ती घर वापस आ जा। हाँ जी। ओ चाची जी, ऐ मटिया तो फूल जैसी नहा चुका है और मैं आसानी से उठा लूंगा, और अगर कहीं गलती से एक आधे गिर भी जाती है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा ना। है? चलो आप बताओ और किथे ले जाने हैं सब। अरे ना पुत्र, ऐ तो मेरा रोज का काम है, मैनू मदद की जरूरत नहीं है। मेरी गल तो सुनो। बलदेव, क्यों बेचारी चाची जी नु तंग कर रहे हैं? और ये तनाने वाले काम करने की नौबत क्यों मांगी? चुप कर, तंग तू कर रही है मैनू यहाँ आकर। जाना जहाँ जाना है तेन, मेरे काम है ना, डिस्टर्ब मत कर दू मैनू, समझी? चाची जी, आप तो हर रोज ही काम करते हो, मतलब आज मैनू मदद करने दो, है कि नहीं? ना ना पुत्र, मैं कर लूंगी, मैनू जान दे बस। देखो चाची जी, आप ना सरपंच जी के बेटे की बात को ना कर रहे हो ऐसे, पर बहुत ही गलत बात है ये। अच्छा ठीक है, ले ले ले। तो चाची जी, मैं उतारता, आराम से आराम से, ऊपर वाला पकड़ लो आराम से, मैं नीचे से पकड़ के रखा। हाथ लगा बेटा। आ गया ध्यान से। आ गए। चलो चाची जी। संभाल के पुत्र। ओए बलदेव, तू तो ऐसे चल रहा है जैसे फैशन शो में ना कैटवॉक कर रहा हो। ओए तू तो पैसे कमाने से, तेरे पैसे कमाने के आइडियाज ही बेकार हैं। बाय गॉड। हेलो चाची। संभाल के पुत्र। बलदेव पुत्र, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब कोई बात नहीं चाची जी, और वैसे भी अब पैसे चाहिए भी नहीं मैनू है। आप ना चाची जी काम करो, आप एक ना एक मटकी दे दो मैनू। हाँ हाँ ठीक है, मटकी दे देती हूँ। ये अच्छी है। सही है चाची, धन्यवाद। खुश रहे पुत्र। अरे बलदेव, तेनू 100 रुपए कमाने, मटकी नहीं घर की रहा है। तू बस देखती जा, और मैं कैसे इसे एक मटके से रात होने से पहले पहले 100 रुपए कमाता हूँ, और तेरी दूसरी चुनौती पूरी करता हूँ। रहने दे, ऐ ना तेरे बस का नहीं है, समझा? ओ तो देख,
मेरे बस का ना, तेनू उड़ा के ले जाना है, वो तो मैं करके ही रहूंगा, तू बस देखती जा। माँ, मेरी ऐ प्रार्थना है कि जब हम दोनों आपके दर्शन लेकर यहाँ से निकलें, तो हम दोनों हमारे रिश्ते को एक नए नज़रिए से देखें, अपने बीते कल नू भुलाकर एक नई शुरुआत करें। वर्क के सेंटर में ना आ तू, समझी? मैंनू वर्किंग ना आराम से करने दे, समझी? अच्छा जी, उन्हें धूप में आप काम कर रहे हो और चक्कर आ जाएंगे। हेलो, पानी पी लो। और पी लो जी, वरना गिर गिरा जाओगे, मुश्किल हो जानी है। लो ला, पिला। ठंड बढ़ गई, ये तूने बहुत पुण्य का काम किया पुत्र, ये ले 5 रुपए रख ले। नहीं नहीं चाचा जी, आज ही कर रहे हो आप ना, तो हाथ का मैल है और सब मोह माया का खेल है, है कि नहीं? ओ चाचा जी, आप एक काम करो, 5 रुपए की जगह ना मैंने थोड़ी सी घास दे दो। हाँ ले ले पुत्र, एक पुट्ठा ले ले। और चाचा जी, घास के बदले में ना आप मटका रखो। ले जा घास। ओए, तू ना सच में खिसका हुआ है बल्दी। मतलब उनसे 5 रुपए ले लेता, एक घास का गट्ठर लेने की जरूरत थी? और वैसे भी तेनू ना 100 रुपए कमाने, 100 घास के गट्ठर नहीं। ओए, तू कर की रहा है बल्दी? चुप रहे ना तू। अब बिजनेस कर रहा हूँ मैं, तेनू समझ नहीं आएगा। नहीं तू काम कर, एक घास का बुद्धि बड़ा अपनी। सत श्रीकाल। और आपको अपने भैंसों वास्ते घास चाहिए? और बहुत ही बढ़िया घास है। हाँ चाहिए तो सही, मगर मैं इस घास के सिर्फ 10 रुपए दूंगा। ओ प्राजी, तू भी कमाल करते हो, मतलब ऐसी बातें कर रहे हो। पैसे वैसे नहीं चाहिए मन्नू, आप ना काम करो, एक घास ले लो, ये बदले मन्नू 1 लीटर
दूध दे दो। अरे कोई लोड नहीं जी। कमाल है प्राजी अभी है। लो जी आपका। धन्यवाद प्राजी। ए आपका कहाँ? मैंने गल दस, तू अभी तक ना आराम से 20 या 30 रुपए कमा सकता था, लेकिन नहीं, पहले मटकी ली, फिर घास ली, अब ये दूध। तू करना क्या चाहता है? बिजनेस। तू बकवास और तेरा बिजनेस बकवास। किस तरीके का बिजनेस करना चाह रहा है तू? एक फुटी कौड़ी नहीं कमाई है तूने अभी तक। अब फुटी कौड़ी किसको कमानी है, है? मैं तो सीधा 100 रुपए कमाऊंगा। ऐसे बहुत ही बेचैन किस्म की है तू, हैं? बहुत जल्दी मची हुई है तेनु, है? मैं कब सारी शर्तें खत्म करूं, फिर तेरे नाल ब्याह की बात करूं, हैं? ना लेकिन ऐसे सब में ना टाइम लगता है, और सबर कर, हैं? चल, फॉलो मेनु, हाँ। ये मुंडा करना क्या चाहता है? किस तरीके का बिजनेस करना चाहता है? हे रब्बा, मैं क्यों बिजनेस कह रही हूँ? बिजनेस। हाँ। असल सिकाल दाई जी। ओ जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। मैं क्या कह रहा था, एक लीटर दूध के बदले में कितने बर्फी के टुकड़े आ जाएंगे? चार टुकड़े मिलेंगे। एक बात मेरे को बता, ये तू दूध के बदले में क्यों पूछ रहा है? जिन्हें चाहिए ऐसे ही ले जाना पुत्र। ना 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 दाई जी, ऐसे नहीं ले सकता मैं, और पूरी ईमानदारी के साथ सौदा करूंगा मैं। हाँ अब बताओ, अगर मैनू 250 ग्राम बर्फी चाहिए तो? 170 रुपए के हिसाब से तेरे को देने पड़ेंगे, और दूध के पैसे काट के तेनु मुझे 150 रुपए देने होंगे। अच्छा, तो ये तेरा बिजनेस? हाँ, पैसे कमाने के बजाय पैसे कमाना। ओ मेरे रब्बा, बिजनेस का पहला दिन और इतना बड़ा नुकसान। अगर तू क्लास में बैठा होता ना और ध्यान दिया होता तो बाय गॉड आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। बेचारा। अब ताई जी एक काम करो, आप ले लो दूध और ना आप मैनू 250 ग्राम बर्फी दे दो। ओ लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, तू तो ऐसे ही ले जा। ओ नहीं 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 ताई जी, मेरी गलत तो सुनो, बिजनेस का मामला है। अगर मैनू ऐसे ही चाहिए होते तो मैं 10-12 डिब्बे ले जाता ना। और बिजनेस में क्या है ना, और मैनू किसी का एहसान नहीं चाहिए। हाँ ताई जी एक काम करता हूँ, जो वीरा है ना उसको आपके पास रख देता हूँ, और गिरवी के तौर पे हैं, और ये बर्फी ले जाता हूँ, और जब मैं लौटूंगा और तो पैसे भी दे दूंगा और इसे भी छुड़ा लूंगा, है कि नहीं? ओ हेलो बेवकूफ कहीं का, मैं ना तेरा मुंह नोच लूंगी। कैसी बेहूदी बातें कर रहा है तू? हाँ पुत्र, इंसान भी कभी गिरवी रखे जाते हैं, ये ले। ताजी मैं रख रहा हूँ ना, वो ऐसे भी और इसका वजन 250 ग्राम से ज्यादा ही होगा, ओ इसी वास्ते तो आपके पास गिरवी रख रहा हूँ, है कि नहीं? देखो इसी बहाने ना आपको मुझ पर भरोसा भी हो जाएगा कि मैं लौट के जरूर आऊंगा और आपको पैसे जरूर दूंगा। और बिजनेस में तो भरोसा होना बहुत जरूरी है। हाँ वैसे भी है तो इतना भारी भरकम भरोसा है कि नहीं? अच्छा तू पागल हो गया कि? मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पे, भाड़ में जाए तू। मैं जल्द लौटता हूँ वापस, है मेरी मोती चूर की लड्डू। आया था जी। ओए तू सुन तो। ओए मीरा तू कितने चली भाई? वो चाचा जी आप मेनू मत कहिएगा कि आप इस बेवकूफ की बातों में आ गए। अयो रब्बा आप मेनू यहाँ पर ही खड़ा रखेंगे, मेनू घर जाना है। ओ खड़ी मत रह पुत्र, बैठ जा लेकिन यहीं रुक। तू यहाँ से गायब हो गई ना तो बल दे मेनू छेगा नहीं। माता मैनू आशीर्वाद दीजिए,
आपके दर्शन लेने के बाद मैं रणवीनु अपने दिल की बात बताने वाली हूँ। जिस एहसास से मैं हमेशा भागती रही, अपने आप को समझाती रही कि मैं कुछ भी करके रणवीनु उसका एहसान चुकाने वास्ते ऐसा सब कर रही हूँ, वो एहसास अपनी सच्चाई के साथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। ये प्यार ही है माता, और अब मैं इसे छुपाना नहीं चाहती। पंडित जी, लाइए पंडित जी। पुत्र, आज की आरती तुम दोनों मिलकर करो जोड़े से। नहीं पंडित जी, ये कर लेगी। अरे नहीं पुत्र, तुम दोनों जोड़े से आए हो ना, तो आरती भी जोड़े से करनी होगी। माता का आशीर्वाद मिलेगा तुमको। बड़े भाग्य वालों को माता की आरती करने का मौका मिलता है। आप दोनों बड़े भाग्यशाली हो। चलिए आरती शुरू कर दें। जी, अब तो एक घंटे से भी ज्यादा हो गया। अब तो मैंने जाने दीजिए, बस बेवकूफ की बातों में आ गए। और ना पुत्र ना बलदेव, जब तक पैसे का ना लौटता नहीं है, मैं तेनू जाने नहीं दे सकता। पुत्र, तेनू बलदेव तो स्वभाव तो जानती हो ना। ओ पुत्र, मैंने शांति से दुकान चलानी है। हाँ हाँ, तेनू भूख लगी है तो कुछ खा ले। नहीं नहीं, मैंने भूख शूख नहीं लगी, मैंने बस घर जाना है। एक काम कीजिए, आप मिठाई के पैसे ना मुझसे ले लीजिए और मैनू घर जाने दीजिए। लीजिए। और ना पुत्र ना, वो पैसे मैं तेरे से कैसे ले लूं? बलदेव को गुस्सा हो जाना है मुझ पे। ऐसे जी, मैनू एक गल दस, आपको कि सच में लगता है कि बलदेव यहाँ आएगा मेरे वास्ते? नहीं आने वाला वो, मैनू पूरा यकीन है। बेवकूफ कहीं का लग गया होगा कहीं मिठाई खिलाने अपने दोस्तों को। हाँ ना पुत्र ना, इस बार तू गलत है। इस बार मैनू लगता है बलदेव पुत्र ने जो वादा किया है पूरा करके ही रहेगा। ताई जी, हेलो जी, आपके 150 रुपए और 50 मैंने वापस दे दो। ये तेरे 50 और इसे भी छोड़ दो। छोड़ दिया, छोड़ दिया जी। अले 100 रुपए मेरे कमाई के हैं, और इसके साथ साथ मैंने दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली है। पर इतने सारे पैसे कमाए कहाँ से? दिमागी कीड़े से। बिजनेस, बिजनेस। यह सिंदूर माता रानी का प्रसाद है, इसे आप अपनी धर्म पत्नी के मांग में भरिए। नहीं पंडित जी, मैं सिंदूर इसकी मांग में नहीं भर सकता। पंडित जी, जैसा आप सोच रहे हैं हमारा
हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। माता के सामने ऐसे दूर बनना सही नहीं होगा। कुंचन, सारी दुनिया के सामने ये झूठ निभा सकते हैं, लेकिन यहां माता के दरबार में हम इन्हें अटक नहीं कर सकते। कल तो भाई प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।